हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, इस मेकअप लुक को आज शेयर करने वाली हूँ। और ये ओस्टूमी का मेकअप लुक है। सो मैं ओस्टूमी में ऐसे साड़ी पहनने वाली हूँ। आप लोग भी ऐसे ही मेकअप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। सो चलिए मेकअप को स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ। और देखिए, आज ये जो कैसे कैसे लग रही हूँ, काला काला सा, क्योंकि ये यहाँ पे जो लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए इतना काला काला लग रही थी मैं। ठीक है, मैं सीटीएम कर लिया था। और पहले मैं आज प्राइमर को अप्लाई करके फिर मैं आँखों का मेकअप स्टार्ट करूँगी। जो नए हैं, जो अभी मुझे देख रहे हैं, ये चैनल है अंजलि स्टार्च और मैं हूँ अंजलि। जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे और सबसे पहले आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डार्क सर्कल मुझे दिखाई दे रही थी, थोड़ा सा। उस दिन क्या हुआ था मुझे पता नहीं। मेरा काला काला सा लग रही थी, इसीलिए मैं डार्क ब्राउन लेके कंसीलर को इस तरह सेट किया, हल्का सा लिया, ज़्यादा डार्क नहीं था, बट फिर भी मैं अप्लाई किया। कर सकते हैं आप लोग भी, थोड़ा सा डार्क हो तो डार्क ब्राउन लेके इस तरह उसको ढक के, और इसके बाद मैं कंसीलर को अप्लाई किया। कंसीलर को सेट कर रही हूँ मैं, सेट नहीं, अभी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। सेट मैं बाद में करूँगी, अभी कर रही हूँ सेट। वो जो लूज़ पाउडर है, ये लूज़ पाउडर से मैं सेट कर रही हूँ। मैं पिगमेंट मेरा ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो सेटिंग स्प्रे लेके ब्रश से, देखिए इस तरह हम ली, और उससे क्या होता है, जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा लगता है। आप लोग ज़्यादा चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। हल्का रखो तो ऐसे ही अप्लाई करना, और ज़्यादा चाहिए तो वो सेटिंग्स पे थोड़ा सा ब्रश पे इस तरह स्प्रे करके हम कर सकते हैं अब। देखिए, मैं अभी लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ। ये मार्स का मैं लाइनर है, मैं अभी से यही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। ये बहुत ही अच्छा है, और मैं काल कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा मस्कारा भी लगा लूँगी, और फॉल्स लैशेस आज अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे हेवी चाहिए था इस मेकअप को, इसीलिए आज थोड़ा सा हेवी मेकअप करना चाहती थी मैं। इसीलिए इस तरह मैं कर रही हूँ। अब देखिए, अभी मैं वो फॉल्स लैशेस ऑफ कैमरा में लगा लिया, और अभी मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ आज मैं। आज मैं पैनकेक नहीं लगाऊंगी, आज मैं फाउंडेशन को अप्लाई किया इस तरह, और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। देखिए इस तरह ब्लेंड हो गया है। अभी मैं यहाँ पे जो वो कंसीलर दे के, देखिए कंट्रोल कर रही हूँ या इस तरह। देखिए, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट का ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं इस तरह लगा रही हूँ। आप लोग, मेरा जो षष्ठी सप्तमी का वीडियो मैं अपलोड किया, आप लोग ज़रूर वो चेक कीजिए, जिसको मिस हो गया है ज़रूर देखिए। मैं कैसे किया ये सब, पूरा डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब लिंक दे दूँगी, जिसको मिस हो गया है आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे दूँगी, आप लोग वो भी वहाँ पे भी आप फॉलो कीजिए। देख ही सकते हैं, अभी हम सेट कर रही हूँ। वो मेरा स्टूडेंट था, वो क्या कह रही थी, शायद वहाँ पे कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया, उसको दिखाई दिया, वो इसीलिए बोल रही थी। लोअर लैश लाइन पे ऊपर जो मैं कलर लगाया, वही मैं लोअर लैश लाइन पे लगाया, और फिर उसके बाद मैं ऊपर में काजल लगाया और मस्कारा को लगाया। लोअर लैश लाइन पे जो लैसेस है उस पर हम मस्कारा को अप्लाई किया, और देखिए आँखों को हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, और कुछ नहीं करूँगी शायद।
देखिए अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ये रात के लिए मेकअप है, सो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लगा रही हूँ मैं, हल्का सा नहीं। सो आप लोग देख ही सकते हैं, अभी कंट्रोल कर रही हूँ, नोज़ भी कंट्रोल कर रही हूँ। मेकअप अब लोग ध्यान से करना है, अब लोगों को जो एक्स्ट्रा पाउडर था वो मैं निकल रही हूँ ऐसे ब्रश की मदद से, फ्लॉपी ब्रश की मदद से, देख ही सकते हैं अभी मैं ब्लशर लगा रही हूँ। कैसा लग रहा है ये पूरा मेकअप वीडियो, सबको जो सोस्की से स्टार्ट हुआ, आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए। देखिए मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। नोज से भी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट का ज़रूरत है सब जगह। और मंडे के लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं फील कर रही हूँ आईब्रोज़ को, आईब्रोज़ मेरा मोटी है बट कुछ कुछ जगह लगाना ज़रूरत है, वहाँ वहाँ मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं। अभी मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ आईब्रो के नीचे थोड़ा सा, और अभी मैं लिपस्टिक को लगाऊंगी, उसके पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ लिप लाइनर से, ये ब्राउन लिप लाइनर है, ब्राउन कलर का है। पहले मैं ड्रॉ करूँगी और उसके बाद मैं लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी। रेड लिपस्टिक यहाँ पे यूज़ करूँगी क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं मैं रेड साड़ी पहनी हुई हूँ, इसीलिए मैं रेड लिपस्टिक को चुना। और ये अलग सा एक रेड है, बहुत ही अच्छा है। अब मैं सेट कर रही हूँ पूरा मेकअप को सेटिंग स्प्रे की मदद से। देख लिया पूरा वीडियो, देखने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। आज कोई हेयर स्टाइल मैं नहीं करूँगी, साड़ी के साथ मैं खुले बालों में ही जाऊँगी, इसीलिए मैं कुछ नहीं किया। और मैं बैंगल्स भी पहनी हूँ अलग सा, वो रेड रेड है उनके ऊपर, उसके ऊपर रेड का जो वो मोती का काम है। देखिए ये मेरा पूरा आउटफिट है। कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। बाय, लव यू, थैंक यू।